नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव कलसी में इनेलो उम्मीदवार सोनिका गिल का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि गांव कलसी हमेशा इनेलो का गढ़ रहा है। इस मौके पर सोनिका गिल का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में सोनिका गिल ने कहा कि इनेलो की स्थिति पूरे प्रदेश में मजबूत है और भाजपा को पीछे धकेल इस बार हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और उसी नीति का पालन मैं भी करूंगी और कार्यकर्ताओं के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस भी लगा दूंगी। बहुत ही आदर मानो सम्मान के योग मेरे गांव कालसी के बहुत ही मेरे सम्मानित बुजुर्ग और आदर के योग मेरे भाई नवे सिंह जी, मेयर सिंह जी, संजीव कुमार जी, सरजीत जी, जगराम जी, रणजीत जी, फकीर चंद जी, हमारे साथ में चल रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कंवलजीत जी बुटाना, साथ में यहाँ मेरे सामने उपस्थित मेरी माताएं बहनें, कलसी के मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों भाई दीपक जी, भाई रवि जी, राजेंद्र जी और सभी साथियों का मैं यहाँ आने पर जो आपने मेरा फूलमालाओं से स्वागत किया आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। साथियों, जैसे कि भाई कंवलजीत जी ने बताया कि आज हम आपके बीच में 21 तारीख को जो विधानसभा की वोट डलने वाली है उसी की वोट और सपोर्ट आपके बीच में मांगने के लिए आए हुए हैं। आपके बीच में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि आएंगे, अपनी बात को रखने का काम करेंगे।